मैं जो देखता हूँ वही कहने का आदि हूँ। हाँ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह सिद्दीकी। असल में कल जो है एक अलमनाक वाकया हुआ जिसमें तकरीबन 50 लोग जो हैं वो शहीद हुए। वो दहशतगर्द नहीं था, वो नफसियाती मरीज था। जिस वक्त वो घर से चला वो नफसियाती मरीज नहीं था। बे इंतहा गन्स चलाने पर उबूर रखता, नफसियाती मरीज नहीं था। उसको पता है कि मैगजीन किस जगह पे लगाना है, शॉटगन कब इस्तेमाल करनी है, मशीन गन किस वक्त इस्तेमाल करनी है। वो उस वक्त नफसियाती मरीज नहीं था। वो टेररिस्ट भी नहीं है, वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो शूटर है, वो टेररिस्ट नहीं है। हम जो है वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे स्लोगन चलाएं, हम वहां के कल्चर को एडॉप्ट करने की कोशिश करें। हम जो है औरतों के हुकूक के नाम पे बेहुदा मुहिम का हिस्सा बन जाए और हमसे यह ना कहा जाए कि वो दहशतगर्द था। मुझे बेहद अफसोस है, मैं पूरी पाकिस्तान कौम की तरफ से, पूरी पाकिस्तान की लोगों की तरफ से बेहद ताजियत करता हूं। बहुत गम है, बहुत गुस्सा है, क्योंकि मासूम लोग, निहत्ते लोग इबादत गाह के अंदर मौजूद थे और उसने अपनी छोटी सोच का मुजाहरा किया। छोटी सोच उसकी इतनी छोटी सोच के मतलब जिसकी कोई इंतहा नहीं। जब आप वो वीडियो देखते हो तो ऐसा लगता नहीं, मतलब 16 मिनट की वो वीडियो है। एक बंदा गाड़ी चलाते वक्त नफसियाती मरीज नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड का सफर करता है, वो उस वक्त नफसियाती मरीज नहीं है, कहीं नहीं पता लगता। आप वैसे जरा कहीं जाए तो आपको पता लगे, एक छोटे से छोटा आपको टाइफाइड हो तो भी आप रुक जाओ। वो इतना बड़ा नफसियाती मरीज किसी जगह पे उसको पकड़ा नहीं गया। इतना असला जो है वो न्यूजीलैंड जैसी जगह पे कैरी करता है और कोई पकड़ने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमको कहा जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी रियासत है जहां पे क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूं हमारी एजेंसीज जो है वो आपकी एजेंसीज से बहुत बेहतर है। हमारे यहां बहुत खौफ है, कोई इस तरह दंदनाते हुए नहीं फिर सकता। कोई किसी जगह पे कोई इस तरह का मामला हो भी जाता है, छोटा मोटा हादसा हो भी जाता है, तो हमारी एजेंसीज जो है वो उसको टेक ओवर करती है। ऐसा नहीं है कि कोई 16 मिनट तक दंदनाता फिरे, गोलियां चलाता फिरे, निहत्ते लोगों पे गोलियां बरसाता रहे और कोई उसको रोकने वाला ना हो, कोई उसको पूछने वाला ना हो। क्राइम फ्री कंट्री लोग कह रहे हैं कि जी वहां पे क्राइम का कोई मतलब होता ही नहीं है, वहां पे बहुत मुश्किल काम है और इतना बड़ा हादसा वहां पे हो जाता है। और वो टेररिस्ट भी नहीं है, वो तो एक्सट्रीमिस्ट है, मतलब वो नफसियाती मरीज था, उसको जो है हो सकता है कोई दौरा उस वक्त आया। वो यार वो जिस तरह की चीजें उसने लिखी हैं वो सारी की सारी वही हैं जो मुस्लिम एक्टिविटी के मतलब मुसलमानों के खिलाफ एक्टिविटी जो होती है वो सारी चीजें वही हैं। और उसके बावजूद भी वो नफसियाती मरीज आप उसको करार दे रहे हो। उसको बचाना है, आप बचा लो। पहले पता नहीं कितने लोगों को आपने बचा लिया। आपसे नहीं छूटी तो आफिया सिद्दीकी नहीं छूटी ना। आपसे मतलब एक वीडियो जो बना देता है आपकी नजर में वो दहशतगर्द हो जाता है। हो सकता है आपकी नजर में मैं भी बहुत बुरा हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गलत है। आप कम से कम उन लोगों के दुख को खत्म नहीं कर सकते, कम तो कर सकते हो। इस तरह के जुमले इस्तेमाल तो, जिस तरह वो वीडियो चल रही है आपको क्या लग रहा है उनके जो अपने होंगे वो ये वीडियो देखने के बाद बर्दाश्त कर पा रहे होंगे? बहुत मुश्किल हो रही होगी उनके लिए, लेकिन आप जो है वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है। बराए मेहरबानी अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जो लोग ऐसी किसी जगह पे भी रह रहे हैं और मेरी वीडियो उन तक पहुंच रही है, इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि पता लगे जी बहुत गुस्सा है और हम जो है वो मजम्मत करते हैं शदीद अल्फाज में। कोई गुंजाइश नहीं है माफी की। जिस तरह का बेरहम वो आदमी है उसके साथ बेरहम सलूक होना चाहिए, ना कि आप वहां का कल्चर एडॉप्ट करने की कोशिश ना करो। शुक्र अदा करो अल्लाह का लाख लाख कि अल्लाह ने एक इज्जतदार घराने में, इज्जतदार मुआशरे में आपको पैदा किया।
आपके हुकूक की जहां तक बात है होना चाहिए, लेकिन वो फिर हुकूक की बात होनी चाहिए, वो ये बातें नहीं होनी चाहिए जिस तरह के पोस्टर्स, जिस तरह की चीजें देख रहे हैं। आप अपने हुकूक की बात करो, सौ बिस्मिल्लाह। कंजर्वेटिव सोच होने में और लिबरल होने में बहुत फर्क होता है। हमारी सोच कंजर्वेटिव नहीं है, हम ये नहीं सोचते कि दबा के रखो, नोच के रखो, लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसा आप लिखते फिर रहे हो जगह जगह। क्या आप क्या पैगाम देना चाह रहे हो दुनिया को? देखिए जी, हम में और उनमें फर्क है, वो फर्क आप समझें। हम यूं नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, इस बात को आपको समझना होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, जज़ाकअल्लाह।